देश में चल रही आर्थिक मंदी को लेकर कांग्रेस आज देश भर में धरना प्रदर्शन और सम्मेलन कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। रजनी पाटिल का कहना है कि जीडीपी 5% से नीचे आ गई है, रोजगार छिन रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले हर दिन गिरता जा रहा है और केंद्र सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जीएसटी नोटबंदी और गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश मंदी की मार झेल रहा है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को लागू करने की मांग की है, जिससे देश की हालत सुधर सके। रजनी पाटिल ने कहा कि राजनीति हमेशा बदलती रहती है। कांग्रेस को विश्वास है कि आने वाले समय में देश के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बनेगी, पार्टी मजबूत होकर भविष्य में फिर से सत्ता में आएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो हमें प्रोग्राम दिया है कि उसके लिए हम प्रदर्शनी करें, लोगों में जाए और लोगों के बीच में उनका जो बेरोजगारी है, उनके जो रोजगार जा रहे हैं और ये सभी दिक्कतें जो उनको आ रही हैं, जीडीपी 5 के नीचे आ गया है और रुपीज़ दिन ब दिन गिरता जा रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार इसके ऊपर देखने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने अपने अधिकार के मुताबिक हम सब मिलके अभी राज्यभवन में राज्यपाल जी को मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपकी जो भावना है, आपका जो मेमोरेंडम है, वो हम राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड करेंगे, इसी के लिए हम आए थे। ऐसे है कि राजनीति हमेशा बदलती रहती है। मेरा यही ख्याल है कि जो भी चारों भी लोकसभा चुनाव में हुआ, उससे ना उम्मीद ना हो के सभी कांग्रेस वालों की जो आदत है, क्योंकि आपको आपने देखा है जब 78 में इंदिरा जी हार गई थी तो भी हम फिर से उभर के आ गए थे, खुद इंदिरा जी हार रही थी। इस बार हमारे नेता जब थोड़ा सा हम हार गए, हार को सामना देना पड़ा, तो उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी ली, राहुल गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी सोनिया जी ने कमान संभाली है। हम सब आगे जाएंगे और बड़ी बाउंस होके फिर एक बार यहाँ पे आएंगे, सत्ता में आएंगे, या चाहे स्टेटों में हो या हमारे केंद्र में हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।